सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा किसे कहते हैं। भाई हिंदी व्याकरण के अंदर समझेंगे हम संज्ञा किसे कहते हैं। ये टॉपिक है बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है, तो उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा संज्ञा किसे कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो उसे आप आसानी से कर सकेंगे और आसानी से समझ सकेंगे। तो जो दोस्त चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप उसे जरूर देखें। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। भाई परिभाषा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहां हम लिखेंगे इसमें परिभाषा, परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के बारे में बोध कराए, बोध कराए उसे संज्ञा, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये दोस्तों इसकी परिभाषा थी। भाई परिभाषा क्या है, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण दोष, यहां भी उसके बारे में डाल देंगे हम, गुण दोष के बारे में बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो अब लिखेंगे हम संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये तो थी इसकी परिभाषा, अब लिखेंगे हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के तीन भेद हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां लिख देते हम व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहां जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इसके अंदर तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये इसके मतलब तीन भेद थे, ये इसकी हमारी परिभाषा है। भाई संज्ञा हम किसे कहते हैं, जो शब्द, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के इसमें तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, जो व्यक्ति, जैसे जैसे मोहन, जैसे इसमें मोहन, और वस्तु का स्थान बोध कराए तो जैसे दिल्ली, मोहन दिल्ली, राम सीता, तो ये हो जाएंगे इसके अंदर ये। तो अगर ऐसे नाम आते हैं तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। जैसे किसी स्थान का नाम आता है और जैसे किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम कहते हैं। आगे है हमारे पास इसमें जातिवाचक संज्ञा, जाति कौन सी हो जाएगी, जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, अगर इसके अंदर आदि ऐसे नाम आते हैं तो वो किस में जाता है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पता चलता है भाई ये किस जाति से संबंधित है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे जैसे इसमें आएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक किसमें होता है, जिसमें गुण दोष आदि हो, जिसमें गुण दोष
आदि का भाव गुणे दोष, तो गुण दोष कर्ण से है, जैसे इसमें क्या आएगा खट्टा खट्टा मीठा अच्छा और बुरा। अगर ऐसे दोष आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे भाववाचक संज्ञा उसे हम कहेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को भी लाइक जरूर करना। भाई संज्ञा हम किसे कहते हैं जो शब्द व्यक्ति वस्तु स्थान और गुण दोष का आदि बोध कराए। तो यहां जैसे इसके अंदर गुण दोष भी आ सकते हैं इसके अंदर, और इसमें गुण दोष आदि का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के इसमें तीन भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन दिल्ली राम श्याम सीता वगैरह, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा कौन सी लड़का लड़की कुत्ता बिल्ली भैंस गाय, तो ये किसमें है जातिवाचक संज्ञा में है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है जिसमें गुण दोष जैसे खट्टा मीठा अच्छा बुरा अगर ये सेंटेंस ये वैसे वाक्य आते हैं तो वो हमें किसमें भाववाचक संज्ञा का हमें बोध कराते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके आप जरूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करना और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो आपसे मिलते हैं।